नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे सैफ अर्जुन UK01। फिर से आपके लिए नई रेसिपी लेके आया हूँ मैं, हरा भरा कबाब। हरा भरा आप इसे हाई टी में यूज कर सकते हैं, मॉर्निंग ब्रेकफास्ट में स्नैक के तौर पे यूज कर सकते हैं। और इसकी रेसिपी क्या है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, किस तरीके से बनता है वो चीज़ दिखा देता हूँ, ठीक है? आप देखिए एक बार और घर पर जरूर ट्राई करें। हरा भरा कबाब की रेसिपी हम सबसे पहले डालेंगे इसमें 203 आलू, उसके बाद पनीर, उसके बाद हरे मटर, मिक्स वेजिटेबल्स, उसके बाद आप क्या डालेंगे जीरा होल, उसके बाद आपके लहसुन, उसके बाद अदरक, हरी मिर्च, किचन गिंग पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, उसके बाद आपका धनिया पाउडर। धनिया पाउडर के बाद स्वाद अनुसार नमक, आपका पालक पेस्ट, उसके बाद धनिया, उसके बाद काजू, उसके बाद आपका ब्रेड क्रम्ब, मैदा और कॉर्नफ्लोर। ये तो इसकी रेसिपी हो गई। अब इसे हम किस तरीके से बनाते हैं, किस तरीके से इसे मैश करते हैं। एक से दो चम्मच जीरा होल, उसके बाद डालेंगे इसमें हरी मिर्च चॉप, आपका लहसुन चॉप एक से दो चम्मच, उसके बाद अदरक चॉप, उसका डालेंगे हम इसमें जो हमने आलू ग्रेट करे थे वो डाल दिए हमने इसमें, एक से दो आलू और आपके मिक्स वेजिटेबल्स। उसके बाद डालेंगे हम इसमें हरे मटर जो हमने चॉप किए थे, इसे हम अच्छे से घुमाएंगे जब तक इसका पानी सूख ना जाए। उसके बाद डालेंगे हम इसमें पालक पेस्ट, अब इसे अच्छे से पका लेंगे। फिर उसके बाद डालेंगे इसमें हम मसाले, टेस्ट अनुसार आपका नमक, और डालेंगे इसमें धनिया पाउडर टेस्ट अनुसार, उसका डालेंगे हम इसमें आपका गरम मसाला पाउडर एक से दो चम्मच, उसके बाद किचन किंग पाउडर एक चम्मच, उसके बाद जीरा पाउडर आपका एक चम्मच। ये तो हमने मसाला डाल चुके हैं इसमें। हमारे सारी वेजिटेबल मैश हो गई, जब हमने वेजिटेबल डाली थी मसाले के संग पक के रेडी हो चुकी है। अब इसे हम डालेंगे हल्के से छोटा बॉल लेंगे इसका, उसमें इसका हम मिक्स करेंगे। ये तो हम बॉल में डाल चुके हैं इसे, अब इसे हम 5 से 10 मिनट इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे, जब तक ठंडा नहीं होता। ये तो हमारा हरा भरा कबाब रेडी हो चुका है, ठंडा हो चुका है, ठीक है? अब इसे हम डालेंगे, देखो ठंडा होने के बाद हम इसमें डालेंगे पनीर, 100 ग्राम पनीर डाल दिया हमने इसमें, उसका डालेंगे ब्रेड क्रम्ब, ब्रेड क्रम्ब इसमें क्या काम करेगा, जब ये पानी छोड़ेगा, इसमें पानी छोड़ रखा है गीला हो रखा है, उसने इसे सुखा देगा इसे ब्रेड क्रम्ब। ब्रेड क्रम्ब डाल दिया हमने इसमें, इसमें आपका एक से दो चम्मच कॉर्नफ्लोर, कॉर्नफ्लोर का काम क्या है इसमें क्रिस्पी बन करेगा इसे कॉर्नफ्लोर, और मैदा जो सारा मिक्सचर है उसे चिपकाएगा आपका उसमें। जो वेजिटेबल्स हैं ये जो हमने चॉप करके रखी हैं ये फटेगा नहीं आपका मैदे से, और कॉर्नफ्लोर इसमें काम करेगा जो क्रिस्पी बनाएगा आपका। रबरा कबाब रेडी है। अब इसमें डालेंगे चॉप जो हमने काजू चॉप के रखे थे, ये हमने 10 काजू चॉप करके रखे थे इसमें, आप चाहें अपनी इच्छा से जितना कर सकते हैं, आप चाहें इसमें बादाम डाल सकते हैं। फिर उसके बाद हम डालेंगे इसमें धनिया, आपका चॉप धनिया जो हमने कर रखे हैं, चॉप धनिया डाल दिया इसमें। ये तो हमारा हरा भरा कबाब रेडी हो गया। अब हम इसकी टिक्किया टाइप बनाएंगे, छोटी छोटी टिक्कियाँ 10 से 15 ग्राम के या 20 ग्राम का पीस हम टिक्किया बनाएंगे, 20 ग्राम का एक टिक्किया बनाएंगे, फिर उसे हम फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे। आप देखिए कि हमारा रेडी हो चुका है, उसके बाद हम टिक्किया बनाने के बाद इसे फ्राई करेंगे। ये इस टाइप के बनाना है, बॉल टाइप के बनाने के बाद हम इसे घुमा देंगे हल्के हाथों से, ये
ये हमारे हरा भरा कबाब की टिक्कियाँ बन चुकी हैं। देखो आप चाहे अगर आपसे मैश नहीं हो रहा या अच्छे ढंग से नहीं बन रहा, अच्छे ढंग से नहीं बन रहा, तो आप हल्का सा इसमें मैदा लगा सकते हैं साइड से। इससे क्या होगा तो सूखापन आएगा इसमें, आप अच्छे से बना सकते हैं इस चीज़ को। हमारा कबाब रेडी हो चुका है, हमने गोल कर चुके हैं इसे। अब इसमें हम लगाएंगे गार्निश के लिए आपका काजू, थोड़ा स्लाइस काजू लगा दिया हमने इस पर। इस टाइप के हम बनाएंगे इसे। आप लगाना चाहें लगा सकते हैं, इसमें आपका हरा भरा कबाब चल सकता है आराम से, कोई ज़रूरी नहीं है। ये तो हमने काजू लगा चुके हैं। हमारा तेल गर्म हो चुका है, अब इसमें डालेंगे हम आपके हरा भरा कबाब। हमारा गरम होने के बाद हम इसे धीमी आंच में कर देंगे और इस टाइप के आपके हरा भरा कबाब फ्राई होके निकल जाएंगे, क्रिस्पी एंड क्रंची। अगर ये तो हमने इसकी प्लेटिंग रेडी करी थी। अब प्लेटिंग करने के बाद देखिए हमें मिंट सॉस कैसे बनाते हैं और किसे किसे बनाते हैं, वो हम आपको अगले नेक्स्ट वीडियो पे दिखा देंगे आपको। जो आपकी हरी चटनी है, हरी चटनी कैसे बनती है ये हमारा। अगर आपको ऐसे ही नई नई रेसिपी सीखनी है तो प्लीज़ सपोर्ट करिए, लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।